हाय एवरीवन, दिस इज कान्या योर इंग्लिश टीचर। और प्रीवियस वीडियो में जो हमने प्रेजेंट इनडेफिनिट कंप्लीट किया था, कुछ बच्चों ने मेरे से डाउट ये किया कि प्रेजेंट इनडेफिनिट में जो है डू के साथ आई और यू क्यों यूज़ होता है, जबकि डू जो है प्लूरल के साथ यूज़ होता है। सो मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में आई और यू जो है उसको प्लूरल में माना जाता है और उनके साथ जो है डू का यूज़ किया जाता है, ठीक है। बाकी सारे सेंटेंसेस में आपका आई और यू जो है वो सिंगुलर माना जाता है और सिंगुलर में ही एज अ सिंगुलर यूज़ किया जाता है, ठीक है। आई गेस आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे जो है कंटिन्यू करते हैं पास्ट इनडेफिनिट टेंस से, ठीक है। और अभी भी आपको प्रेजेंट इनडेफिनिट में कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपका डाउट जो है क्लियर कर दूंगी। सो अब आपका आता है पास्ट इनडेफिनिट। पास्ट शब्द से ही आपको पता चला, यानी भूतकाल, यानी जो चीज़ें हो चुकी हैं पास्ट में। तो पास्ट इनडेफिनिट टेंस का यूज़ जो है पुरानी कोई चीज़ बताने के लिए या कोई समय गुजर गया उसको बताने के लिए, या आपकी कोई आदत जो आप पहले किया करते थे अब आपने छोड़ दिए, या गुजरा हुआ समय जैसे यस्टरडे, ठीक है, या फिर आपका हो गया लास्ट मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, मंथ या ईयर, ठीक है, ऐसा बताने के लिए आपका जो है पास्ट इनडेफिनिट टेंस का यूज़ होता है, ठीक है। अब पास्ट इनडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, ठीक है, तो वो हम लिखेंगे आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म यहाँ पे यूज़ होता है क्योंकि ये जो है पास्ट की बात हो गई, ये बात जो है बीत चुकी है। प्रेजेंट इनडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि वो जो है वो चल रही होती है चीज़, पर यहाँ पर जो है पास्ट ये बीत चुका है, तो इसलिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल ले लो, फॉर एग्जाम्पल राहुल मार्केट गया था, सो राहुल वेंट टू मार्केट। सो आप यहाँ पर देख सकते हो वर्ब की जो फॉर्म है वो सेकेंड फॉर्म में चेंज हो गई है, गो वेंट गॉन होता है ना, सो यहाँ पे जो आपकी वर्ब की जो फॉर्म है वो सेकेंड फॉर्म में चेंज हो गई है। सो इसलिए जो है आपका पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर देखिए सिंपल सा है, ये आपको याद हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी सिंपल सा था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। सो हल्का सा फर्क होता है, ज़्यादा इसमें जो आपको सोचने की बात नहीं है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो है अगर आपका सेंटेंस में कोई सेंटेंस जो है अगर उसमें डिड आ जाता है तो आपकी वर्ब की जो सेकेंड फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर किसी सेंटेंस में डिड आ जाता है, डी आई डी डिड, तो आपकी वर्ब की जो सेकेंड फॉर्म रहती है वो फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाती है, ठीक है, सिंपल। अब आगे कंटिन्यू करते हैं, ये तो हो गया आपका अफर्मेटिव का। अब नेगेटिव का, नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में आपका सिर्फ सब्जेक्ट प्लस डिड के साथ नॉट लग जाएगा। नेगेटिव यानी नकारात्मक शब्द, और नकारात्मक में यानी नहीं का यूज़ होता है, कोई काम जो है पास्ट में नहीं हुआ रहता उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। सो एग्जांपल आपका पहले स्ट्रक्चर आप लिख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट। आपको पता ही है आपका स्ट्रक्चर में जो है नेगेटिव में जो है आपका स्ट्रक्चर जो काम नहीं हुआ रहता वो आता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने आपको बताया था, प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, आपको एग्जांपल हो गया मुझे नदी में तैरना नहीं आता था, आई डिड नॉट स्विम इन द रिवर, यानी मुझे नदी में तैरना नहीं आता था, आई डिड नॉट स्विम इन द रिवर। सो आपका ये हो गया नेगेटिव का स्ट्रक्चर। आपका अफर्मेटिव का क्या था, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में आपका क्या हो गया, नेगेटिव में बस आपका डिड नॉट जुड़ गया, बाकी सब तो सेम ही है, ठीक है। सो इस तरीके से जो आपका ये इजी है, आप ज़्यादा सोचते हो इसलिए ये टफ लगता है, इसमें इतना कुछ टफ है नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम आते हैं आपका इंट्रोगेटिव पे, ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया, नहीं हुआ होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दीजिएगा, मैं आपका डाउट जो भी है वो क्लियर कर दूंगी, ठीक है। फिर हम आपका आते हैं इंट्रोगेटिव के। इंट्रोगेटिव में अब क्या होता है, इंट्रोगेटिव में आपको पता है कि हमेशा सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगता है, ठीक है। सो आपका इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, डिड
डिड के हमेशा आपको पता कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले आपका हेल्पिंग वर्ब लगता है, तो इसमें सिंपल सा क्या होगा, डिड के बाद जो है आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट से पहले आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो इसमें भी देखिए, इसमें भी आपका सिंपल है, इसमें क्या हुआ, अफर्मेटिव की तरह है, अफर्मेटिव में क्या था, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है, इंट्रोगेटिव में जो आपका सब्जेक्ट से पहले सिर्फ क्या आपका हेल्पिंग वर्ब लग गया है, तो इसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। ये जो है आपका क्वेश्चन में चेंज हो गया। और हाँ, क्वेश्चन मार्क हमेशा याद रखेंगे, इंट्रोगेटिव में लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क आपको याद रखना है, ठीक है। सो अब एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि क्या तुमने उसके साथ गलत किया, डिड यू डू रॉन्ग विथ हिम, ठीक है। क्या तुमने उसके साथ गलत किया, डिड यू डू रॉन्ग विथ हिम। सो यहां पर जो आपका इंट्रोगेटिव में लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क लगना जरूरी है, मस्ट है, वरना आपका जो है ये सेंटेंस जो भी आप लिखोगे इंट्रोगेटिव में वो गलत होगा, क्योंकि विदाउट क्वेश्चन मार्क के, क्वेश्चन मार्क इज मस्ट, विदाउट क्वेश्चन मार्क के पता नहीं चलता कि आपका जो सेंटेंस है ये आपने किस फॉर्म में लिखा है, अफर्मेटिव में, नेगेटिव, चलिए नेगेटिव आपका पता चल जाता है क्योंकि नेगेटिव नकारात्मक, अगर सब्जेक्ट में जो है सॉरी सेंटेंस में आपके कोई नॉट या नो या ऐसा कोई शब्द नहीं आया तो वो पता चल जाता है, बट अगर लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क ना हो तो कैसे पता चलेगा कि ये आपने अफर्मेटिव में लिखा है कि आपने इंट्रोगेटिव में लिखा है, ठीक है। सो स्ट्रक्चर्स में ज्यादा फर्क नहीं होता, बस हेल्पिंग वर्ब से पहले जो है आपका वो लग जाता है, आपका सॉरी सब्जेक्ट से पहले जो है हेल्पिंग वर्ब लग जाता है, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लग जाता है, ठीक है, और अफर्मेटिव में सिंपल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपका पास्ट इंडेफिनिट में उतना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा आएगा, आप लोग समझ गए होंगे। और अभी भी आपको इसमें भी कोई डाउट लग रहा है सो आप प्लीज ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपका जो है डाउट वहां पर क्लियर करवाने की कोशिश करूंगी। और नेक्स्ट वीडियो में जो हम आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। एक और बात मैं आपको बता दूं कि कभी कभी आप देखते हो, जैसे एक एग्जांपल ले लो, आपने ऐसा क्यों सोचा था, वाई डिड यू थिंक सो, तो यहां पर देखिए वाई आ रहा है, सो देखिए आपने ऐसा क्यों सोचा था, Why did you think so? यहां पर तो आपका देखिए सब्जेक्ट से पहले आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, पर हेल्पिंग वर्ब से पहले भी ये why. सो आपके स्ट्रक्चर में जो होता है, या तो आप डिड से स्टार्ट करो, स्ट्रक्चर में आप लिखते हो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म कोई भी टेंस में आप लिखते हो। सो इसमें जो है, या तो आप डिड से स्टार्ट कर सकते हो, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वट एवर द फॉर्म ऑफ वर्ब इज आप लिख लो प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क या फुल स्टॉप आप कुछ भी लगा सकते हो, सॉरी क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये हम जो आपका क्वेश्चन इंटरोगेटिव में कर रहे हैं। सो इससे पहले जो है आपका डब्ल्यू एच फैमिली, व्हाट, व्हाई, ठीक है, हूज, ये सब जो है ये भी आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी। तो या अगर आप इतना लिखते हो तब भी सही है, अगर आप इसको लिखते हो तब भी सही है, ठीक है, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। सो आपका स्ट्रक्चर एक ये हो गया इंट्रोगेटिव में, और एक जो होता है डब्ल्यू एच फैमिली भी होती है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आते हैं वाई करके, क्वेश्चन जो है आपके क्या या क्यों से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, तो उस सेंस में जो है आपका सबसे पहले जो है डब्ल्यू एच फैमिली, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये जो है आपका हर चीज में अप्लाई होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी, पास्ट इंडेफिनिट में भी और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी, ठीक है। सो ये यहाँ पर जो है हम आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपका खत्म हो गया। अगर आपको स्टिल कोई भी डाउट हो, कुछ ना समझ में आया हो, तो आप सिंपली कमेंट में अपना कमेंट जो है ड्रॉप कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। एंड एक मेरी रिक्वेस्ट और है कि आपके टीचर्स, आप जानते हो कितनी मेहनत कर रहे हैं आपके इस चीज़ के लिए कि आप लोग पढ़ सको, अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, आपका पढ़ने का मन नहीं है, तो प्लीज़ कमेंट में जो है फालतू के कमेंट्स मत लिखिए, ठीक है, वरना स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाएगा, बाद में आपको जो है हजम नहीं होगा वो एक्शन, ठीक है, जस्ट अ फ्रेंडली रिमाइंडर मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। सो एंड ऑफ द आपका प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट, अगले में जो हम फ्यूचर इंडेफिनिट करेंगे। थैंक यू सो मच।